कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ज्योग्राफी वाली मैडम ने क्लास लिया क्या? यस सर। कैसा यस सर। लगा बेटा? बहुत अच्छा सर। गुड, वो मुझे पता था। सर, हाँ बेटा बोलो। इंग्लिश और रीजनिंग का लगाएंगे थोड़ा सा, अभी तो वीक में 4 डेज ही लगाया हूँ मैं लेक्चर। धीरे यस सर। धीरे धीरे धीरे, दो सर चार आप पांच। हाँ बेटा बोलो ना जानवर को कब आ रहे हो? बेटा। अरे इसी सैटरडे को आता लेकिन नहीं आ पाया, इस कमिंग सैटरडे को तो किसी भी हाल में आऊंगा। ठीक है सर। बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आ रहा है चानोर से, कब आ रहे हो पांडे सर, कब आ रहे हो बेटा। सर हाँ सर, फिर अरे फीस भी नहीं थी ना आपकी तो। ठीक है बेटा, फीस की बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, नासिक में आप ऑफलाइन कब स्टार्ट करने वाले हैं? तुम लोग जब बोलोगे तब मैं कर दूंगा, क्या ऑफलाइन में, ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन कर तो दूंगा लेकिन ऑनलाइन बच्चों का मेरे क्या होगा। सर ऑफलाइन लेते वक्त ऑनलाइन लीजिए ना। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में ले सकता हूँ। अभी एक्चुअली सेटअप कर रहा हूँ वहां पे, और कनेक्शन के लिए बोला हूँ, देखता हूँ कितना दिन में कनेक्शन आ जाता है। आज मैं नया अपार्टमेंट ट्री करूंगा, इलेक्ट्रिकल अपार्टमेंट ट्री करूंगा। अच्छा ये टाइम आप लोग को परफेक्ट है क्या? हाँ सर। किसी यस सर। को डिस्टरबेंस तो नहीं है इस टाइम से? नो सर। तो क्या इसी को परमानेंटली कंटिन्यू कर दूं इस टाइम को? यस सर। हाँ सर। सर बेटा अब 20 मिनट्स लेट कर सकते हैं, 15 to 20। बेटा ज्यादा लेट करेंगे, मैं ये सोच रहा था सुनो ना, कि 7 से 7:40, 7:40 से एक्चुअली ज्यादा डिले करने पे, अभी 3-4 पेरेंट्स आने वाले हैं, मतलब बच्चे आने वाले हैं यहाँ से, क्या नाम है, संगम नेर से, तो ज्यादा डिले करने पे इशू उनको आ रहा है, इसलिए अब मत, मेरा रिक्वेस्ट है कि अब मत चेंज कराओ टाइम आप सभी लोग, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि फिर ज्यादा अपने को दिक्कत आएगी। तो अभी आगे वाला जो ऑफलाइन सेट, भी शुरू हो गए क्या? ऑफलाइन शुरू हो गया है लेकिन अभी फाउंडेशन नहीं चालू हुआ। 7 से 7:40, 7:40 से 8:20, 8:20 से 9, मैं सोच रहा हूं ऐसे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक में सिमट दो। सर आप 6:30 को भी ले सकते हैं। नहीं अब फिर ज्यादा खिसकाएंगे तो दिक्कत है। कहाँ गया वो सब बच्चा, इतना ही बच्चा है क्या? और सब कहाँ गया? कल कितना ज्वाइन हुआ था, मतलब नेक्स्ट लास्ट क्लास में? 20 सर जी, सर खुश वो अपने अनुसार ले लें, कोई दिक्कत ले लीजिए, ले लें, बच्चों को इन्फॉर्म कर दें पहले।
ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, ले लें। ओके मैं क्लास में हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बेसिक से स्टार्ट करूंगा। लिखेगा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर वो सैयद मैम बहुत अच्छी सिखाती है। क्या बेटा? वो ज्योग्राफी की अच्छी, अच्छा सिखाई है ना? यस सर। रीजनिंग भी अभी कुछ दिन में चलेगा। ये सब और सब बच्चे कहाँ गए यार? यदमेश हो गया, ये क्या चल रहा है बच्चों का हमारे? सर इसका वेबिनार लेने वाले थे ना आप? हाँ लेने वाले हूँ, थोड़ा सा काफी पैक शेड्यूल है, लूंगा थोड़े ही दिन में लूंगा। सांस लेने विश्वास ही मानेगा ना, सुबह जो मैं 8 बजे का चालू हुआ अब टू टिल कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है। चलिए आगे लिखिए। हेलो बेटा, हाँ मैम नमस्ते। लेक्चर है बच्चे का? अरे बाप रे, कब से? फिर कब से क्लास अटेंड करेगा? ठीक है ठीक, ओके ओके। सुती बेटा। हाँ सर। आदित्य को बोलो ना, अरे उसको यत्नेश को। हाँ ठीक है सर, मैं उसे कॉल करती हूँ। सर आदित्य उसका ऑपरेशन हुआ है। आदित्य का? हाँ उसको बोल दो जो है। और वो भी नहीं आया, चौबे भी नहीं आया, थर चौबे भी नहीं आया, आ गया। चलो हाँ चलो, टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको अगर बाई फार फॉरगेट करेंगे तो होता इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, बता रहा हूं चार्ज क्या है। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज इन रेस्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इन रेस्ट। We study in this chapter, क्या पढ़ेंगे बेटा? We study in this chapter, charge is in rest. Charge is in rest. बने बेटा? मैं रफ करूं इसको। अब चार्ज कहां से आता, क्यों आता, क्या है उसके बारे में बेटा। एटम जानते हो? एटम, एटम कैसे बनता है? थ्री मॉलिक्यूल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तीन छोटा पार्टिकल है, एटम का एक पार्ट है जो कि छोटा पार्टिकल है, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है
-1.6 × 10⁻¹⁹ बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। लिखना तो लिख लेना, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के यूनिट क्या है? कूलम है। इसको सी से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? इज ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। -19 आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सर 1/1840 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन। नहीं वो तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना वैल्यू होता है? सर 1800 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 9.1 × 10⁻³¹ kg। एग्जैक्ट थोड़ा सा हम देखना चाह रहे थे किस बुक में मुझे। सर एक मिनट लिखने देंगे क्या? वो लिख लीजिए। सर वो वन कूलम है क्या? हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे? ये वाला वन इलेक्ट्रॉन है। वन इलेक्ट्रॉन, रफ करो। यस सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -9.1 × 10⁻²⁸ kg। वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब ME से निकल करते हैं। 9.1 × 10⁻³¹ kg सही है कि गलत है? -28 केजी दिया है कि ग्राम दिया है? केजी। -28 केजी। क्या आगे बढ़ूं? इतना इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी अभी सीख है। बढ़ूं आगे? अब आए प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कौन है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वन प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन 1.66 × 10⁻¹⁹ कूलम। सी मतलब कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻²⁷ kg। 1.6 × 10⁻²⁷ kg। क्या लिखा है? 10⁻²⁷ या 28?
माइनस 27। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? वो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या लिखा है? चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन प्लस 1.6 इन 10 पावर माइनस 19। बढ़ो आगे। एक मिनट सर। सर वो प्लस लिखना ही पड़ता है क्या? हाँ चार्ज प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। बढ़ो आगे। यस सर। अब आगे लिखे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इट इज द चार्ज लेस पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल established in the nucleus of the established at the nucleus of the atom. यह चार्जलेस पार्टिकल होता है। इसका मास किसी को पता है? जितना प्रोटॉन का उतना ही। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 into 10 पावर माइनस 27। 1.67 into 10 पावर माइनस 27 केजी। सर जितना न्यूट्रॉन का रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रहता है तो 7 कैसे आया सर? क्या ये 1.67 सर? तो वो प्रोटॉन को सिर्फ 1.6 है ना सर? बेटा 6-7 ही है, मैंने पूरा 7 नहीं लिखा था सर। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है। बढ़ूं आगे? वन मिनट सर। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम क्या है? सर वन मिनट सर, वन मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट है एटम क्या है? एटम कैसे बनता है? एक सेंटर होता है और सेंटर के चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं सेल्स। क्या है? सेल्स। जो सेंटर होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। सेंटर में दो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एन का मतलब न्यूट्रॉन और पी का मतलब प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको कहते हैं सेल्स। सेल्स विल रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
समझ में आ रहा है, ये रिवॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा पूछने का इरादा कर रहा है, क्या मैं पूछूं? यस सर। इलेक्ट्रॉन किस पाथ में मूव कर रहे हैं? सर्कुलर। सर्कुलर इलिप्टिकल नहीं, सर्कुलर मानते हैं, यहाँ इलिप्टिकल नहीं होता। सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करेंगे तो इनका डायरेक्शन एवरी मोमेंट में क्या होगा? डिफरेंट, चेंज होगा। और ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से इनके ऊपर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बना लिए? यस सर। अब लिखिए, मैं रफ करूं इसको? यस सर। लिखेगा एटम, एटम प्रोटोन, लिखे प्रोटोन। प्रोटोन कहां होता है? एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। लिखेगा प्रोटोन आर प्रेजेंट इन द एटम एट, कहां होता है बेटा? न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एंड नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे किसके? न्यूक्लियस के अराउंड। किसमें? डिफरेंट ऑर्बिट्स में। हो गया? नो सर। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को? यस सर। कुछ और पॉइंट्स देखिए। इन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना। किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल टू एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. बढ़ू आगे? नो सर, एक मिनट. ओके, हो गए. रफ करो बेटा. मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और वही एटॉमिक नंबर के बराबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. हर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वर्ड आता है एटॉमिक मास. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इसको कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में है. या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख लो, मास नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक मास को ए से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से. कभी आप गलती से जेईई नीट का क्वेश्चन देखेंगे, अक्सर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के केमिस्ट्री में. हम लोग के वक्त भी खूब पूछता था. देखिए प्लस था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस था. ए माइनस पी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Yes, sir. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि पांडे सर सब कुछ तो ठीक है, जो बताना था जो मुझे पता था आपने बता दिया, लेकिन एक बात बताओ पांडे सर कि जो इलेक्ट्रॉन है यह और जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसा क्या हो कि एक डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? क्यों नहीं एक साथ मिलके एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? इसका वजह सुनिए. नाउ ऑल ऑफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड. मैं बोलूं
कि आप सभी लोग को फर्स्ट क्लास में बैठा दूं, क्या आप क्लास अटेंड करोगे? नो सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल, आपका समझने का तौर तरीका, आपका समझने का लेवल आईक्यू बहुत हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्लास के बच्चों। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को टेंथ क्लास में बैठा दूं, नाइन्थ क्लास में बैठा दूं, देन व्हाट हैपेंड? वो बच्चा भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल वेरी लो एज कंपेयर टू नाइन्थ या टेंथ के क्लास। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। ये जो लेवल्स है, ध्यान दो इधर, ये जो सेल्स है जिसको ऑर्बिट हमने बोला, दीज ऑल आर कॉल्स ऑर्बिट, ध्यान देना प्लीज, दीज ऑल आर कॉल्स ऑर्बिट्स। और यह ऑर्बिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किनका अपना अपना एनर्जी लेवल है। इसका लो एनर्जी लेवल है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, इसका है, उससे ज्यादा इसका है। सिमिलरली आगे बढ़ते जाते, बात समझ में आ रही है? मतलब सपोज मैं रफ करूं क्या इसको, मैं क्लियर बनाऊं थोड़ा सा। यस सर। सपोज या न्यूक्लियस है, या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, या 10 जूल मान लो, 20 जूल मान लो, 30 जूल मान लीजिए, 40 जूल मान लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो? यह घर ऐसा है जिस घर में वही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जिनका एनर्जी लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 जूल। जब उस इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 10 जूल से ज्यादा एनर्जी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन कहां भागाएगा, जंप करके सेकेंड ऑर्बिट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाए तो कहां भागेगा, फिर नीचे भाग जाएगा। कब? जब एनर्जी कम हो जाए, कितना से, 20 जूल से, 10 जूल से कम हो जाए। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? तो आप जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, अप टू टेंथ क्लास तक आते हैं, यह क्लास क्यों बनाया गया है? क्यों नहीं फर्स्ट क्लास के बच्चे को टेंथ क्लास में बैठाया जाता है? या क्यों नहीं बच्चे को कि 16 साल का हो गया, चलो यार डायरेक्ट टेंथ क्लास में बैठा दी, ऐसा भी हो सकता है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 14 साल का बच्चा हो गया हमारा, मैं फर्स्ट से लेके 14 तक नहीं पढ़ाए, 14 ईयर तक नहीं पढ़ाए, अब हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि टेंथ में एडमिशन कराते, बोर्ड का एग्जाम दिला, ऐसा पॉसिबल है क्या? रिप्लाई तो नो सर। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं पॉसिबल, क्या वजह? अगर बैठा दूंगा तो क्या होगा? आईक्यू लेवल। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल, आईक्यू लेवल। मतलब सिंपल वर्ड में अगर वो स्टेप को न क्रॉस करके जाए तो एनर्जी को गेन करने की क्षमता उसका नहीं बन पाए। सेम थिंग हैपेंस ना, कि ये दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, यहां से आएंगे, शिफ्ट एनर्जी बढ़ते गया इधर शिफ्ट होते जाएंगे, या एनर्जी घटते गया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होते जाएंगे। इसका मतलब कि मान लो कि इसको फर्स्ट सेल बोले, सेकेंड सेल बोले, थर्ड सेल बोले, फोर्थ सेल बोले, तो सबसे हाई एनर्जी किसका होगा, आउटर सेल का, फोर्थ सेल का। उससे कम किसका होगा, थर्ड सेल। उससे कम सेकेंड। बात समझ में आ रही है? सबसे कम फर्स्ट, और उससे भी कम किसका होगा, न्यूक्लियस का। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? सर बेटा, सर आपने अभी बताया सर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो आगे आगे बढ़ते हैं सर, तो वो बाहर क्यों नहीं चले जाते सर, उनकी ज्यादा एनर्जी हो गई तो? हाँ तो जाएंगे ना, वो बताऊंगा, ऑफ कोर्स जाएंगे, जाएंगे तभी चार्ज डेवलप होगा, वो नहीं जाएंगे तो चार्ज डेवलप नहीं होगा। बाहर भी जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा, बता रहा हूं। यहां तक क्लियर?
मतलब अभी तक इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा सेल्स का? बढ़ेगा बढ़ेगा. एट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाएंगे तो एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा. तो लिखिएगा लिखिएगा लिखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिए. सर बना रहे सर एक मिनट. अच्छा एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो नए नहीं है पुराने हैं जिनका कि लास्ट टॉपिक्स मतलब फाउंडेशन का फी बाकी हो, कृपया रिक्वेस्ट है कि पहले का फी जमा कर दें. पहले का जो फाउंडेशन का फी है उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जमा कर दें. सर आपने वो अंदाजे लिखी क्या वो 10 जूल? कहाँ लिखी 10 जूल? हाँ वो मैंने समझाने के लिए बात किया 10 जूल 20 जूल 30 जूल एग्जांपल के लिए. तो पॉइंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ सर 1 मिनट सर. अच्छा. वो पीछे का वो ऊपर का भी लिखना है क्या सर? बाजू में लिखा है आपने. जी 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 लिखने के ही लिए बेटा लिखा है. लिखेगा इफ वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस if we move away from the nucleus if we move away from the nucleus energy of the orbit kya hoga beta? gradually increase. If we energy of क्या है सर? Energy of if nucleus. We move away from the nucleus, then the energy of the orbits gradually increase. Energy of the orbit gradually increase. अब आगे लिखिए next point. जल्दी time खत्म है. If we move towards the nucleus, the energy of the orbit gradually decrease. Time up. The energy of the orbit gradually decrease. If we move towards the nucleus, the energy of the nucleus gradually decrease. अपने अपने फ्रेंड से बोल दीजिए फाउंडेशन बैच NTSC बैच स्टार्ट हो गया. जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द कर लो नहीं तो बात